हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सारिका कुमार रेसिपीज़। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी गोंद के लड्डू की रेसिपी। गोंद के लड्डू बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होते हैं और विंटर के मौसम में हमें गोंद जरूर खानी चाहिए। आज हम बनाएंगे इसके लड्डू जो बहुत ही टेस्टी है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके मैंने लिया है 1 कप गेहूँ का आटा, 1 कप देसी खांड। आप इसी जगह चीनी का बूरा भी ले सकते हैं, बट देसी खांड चीनी का एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन रहता है। अब मैंने लिया है 100 ग्राम गोंद। देखिए इस तरह से लगती है देखने में और इजीली मार्केट में मिल जाती है। अब मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम देसी घी लिया है। अब मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम और थोड़े से 4 मगज। 4 मगज जो है वो 4 तरह के बीज होते हैं और बहुत ही हेल्दी रहते हैं। अब हम एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे और उसमें इस तरह से घी डाल देंगे। सबसे पहले हमने गोंद को फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को हमने एकदम लो रखना है और इस तरह से गोंद को हम फ्राई करेंगे 2 बैचेस में। देखिए गोंद जो है वो अच्छे से फूल गई है और अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको देखिए मैं एक आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए अच्छे से ये क्रंची हो गई है बिल्कुल। और इस स्टेज पे अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में। अब इसी तरह से बाकी बची हुई गोंद को भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी बची हुई गोंद भी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे और इसमें अब आटा डाल देंगे। देखिए बाकी जो बचा हुआ घी था उसमें मैंने आटा डाल दिया है और आटे को भी हम एकदम लो फ्लेम पर भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमने लो रखना है और कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं आटे को भूनने में। और इस तरह से लगातार हमने इसको चलाते रहना है। देखिए हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। अभी इसको हम थोड़ा सा और भुनेंगे। देखिए इतना बढ़िया आटा हमारा, इतनी बहुत ही अच्छी इसमें एक महक आ रही है। और देखिए आटा हमारा अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल जो कलर हमें चाहिए वो आ चुका है। और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी जो कढ़ाई है उसमें हम बादाम और जो 4 मगज थे वो डाल लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रोस्ट कर रही हूँ। इसको भी हमने हल्का सा कलर जब चेंज हो जाएगा तब तक हमने इसको रोस्ट करना है। देखिए ये भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और अब मैं इसको मिक्सी में चर्न कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से हल्का सा दरदरा कूट कर भी डाल सकते हैं। मैं इसको मिक्सी में चर्न करके डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से आटे के साथ ही मैंने इसको निकाल लिया है और जो हमारी गोंद है उसको भी हमने ऐसे हाथ से क्रश कर लेना है किसी चीज़ से। आप चाहें तो बेलन से क्रश कर सकते हैं। देखिए इसको भी हम इसमें मिला देंगे और साथ ही मिला देंगे इसमें देसी खांड। और अब हमने इसके लड्डू बनाने हैं। इसको चारों को अच्छे से हमने मिक्स करना है। हल्का सा गर्म होना चाहिए मिक्सचर, तभी आपके लड्डू बढ़िया बनेंगे। ये मैंने लड्डू बनाने का सांचा लिया है और इसमें हल्का सा मैंने घी लगा दिया है और इस तरह से अब मैं इसमें मिक्सचर जो है लड्डू का वो भर दूंगी अच्छे से। और देखिए इस तरह से सांचा बंद कर देंगे अच्छे से। पीछे से हम इसमें मिक्सचर को भर देंगे और देखिए अच्छा से इसको टैप करके हम हल्का सा खोलेंगे। और देखिए हमारा लड्डू बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया शेप आई है। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। सांचे से हमें एक ही साइज़ के लड्डू मिल जाते हैं। देखिए मैं एक फटाफट से आपको दोबारा दिखाती हूँ बनाकर। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है लड्डू बनाना। और देखिए इस तरह से खोलेंगे तो हमें बढ़िया सी शेप तैयार है हमारी। तो गोंद के लड्डू बनकर तैयार हैं। आप ज़रूर बनाइए ये रेसिपी, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। रोज़ ब्रेकफास्ट में अगर आप एक लड्डू खा लेते हैं तो आपके पूरे विंटर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई कोल्ड कफ नहीं होगा। आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए ये, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है ये गोंद के लड्डू। आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।